सभी को जैमसी की आज हम अद्भुत गवाही सुनने जा रहे हैं। जे बहन का नाम ज्योति है और इनकी बेटी को एक महीने से बुखार चढ़ रहा था। जब इस बहन ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर द्वारा की गई रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई तो ये बहन बहुत घबरा गई। तो इन्होंने पास्टर तरसेम जी से प्रार्थना करवाई और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने जीवन में लिया। तो आज 20 दिन हो चुके हैं और इनकी बेटी बिल्कुल ठीक है। तो आइए हम ये अद्भुत गवाही इनके मुंह से सुनेंगे। रब दे दास दासी नु जैमसी, पूरी कलीसिया नु जैमसी। मेरी गवाही ये है कि मेरी बेटी नु बुखार सी चढ़दा, एक महीना हो गया सी, बुखार नहीं सी इनू उतरदा। फिर जो असी इहदा टैसट करवाया तो इहदा टैसट करोना पॉजिटिव आया। फिर असी रब दे दास पास्टर तरसेम जी हुणा नु फोन किया तो उन्होंने असी प्रेयर करवाई। वो सानू कहिंदे वी भैन जी तुसीं विश्वास रखो, तुहाडी बेटी नू परमेश्वर कुछ नहीं होण दिंदे। तो असी डर गए सी, असी सानू टेंशन हो गई कि यह बीमारी तो बहुत मतलब खतरनाक आ। रब दे दास कहिंदे नहीं भैन जी, तुसीं तुहाडा साडा परमेश्वर वड्डा, बीमारी नहीं वड्डी हैगी, तुसीं विश्वास करो, तुहाडे लई प्रेयर डेली होगी। तो मैं रब दे दास दा धन्नवाद करदी हाँ कि उन्हें साडे लई प्रेयर कीती ते मेरी बेटी चंगी होई। असी सर टेंशन में सी कि डॉक्टर ने सानू कोई भी दवाई नहीं दसी कि तुसी आ खानी है जाओ खानी है, तो ना ही कोई चैकअप ले सानू नहीं सद्या, ना वो आप घर साडे आए। तो सानू 14 दिन दे ले किया सी कि तुसी 14 दिन मतलब इनू अंदर रखना। तो असी 14 दिन तो बाद हुण मेरी बेटी है बिल्कुल ठीक आ। तो मैं परमेश्वर दा ते रब दा दास दा धन्नवाद करदी हाँ कि परमेश्वर ने इनू इस बीमारी तो बाहर कढ़िया, इनू सिफा दी। मैं परमेश्वर के रब का दास का धन्यवाद करती हाँ, तो परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हाँ कि इन परमेश्वर ने फिर द्वारा नवा जीवन दिता। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हाँ। नारायण जयंती जी, मैं परमेश्वर ने मैं बीमारी तो चंगा किया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हाँ। आमीन।